Hey, what's up, traders? Welcome back to the channel. तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फाइनली इसलिए बिकॉज लास्ट सिक्स मंथ से मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे. मेरे हर वीडियो पर एक कमेंट तो आ ही जाता था कि भैया हार्डवेयर वॉलेट के बारे में बता दीजिए, प्लीज हार्डवेयर वॉलेट के बारे में कुछ ढंग से बता दीजिए, डेडिकेटेड वीडियो ला दीजिए, सीरीज ला दीजिए जिसमें हार्डवेयर वॉलेट के बारे में सब कुछ बताया गया हो, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कितना सेफ है, क्यों यूज करना चाहिए, किन को यूज करना चाहिए, प्राइस क्या है, किस तरीके से सेंड एंड रिसीव की जाती है क्रिप्टो उसमें. और काफी मेरे बिगनर भाइयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल में हार्डवेयर वॉलेट नाम की चीज होती क्या है. तो आज का ये जो वीडियो है पार्ट वन है हार्डवेयर वॉलेट सीरीज का, और इस वीडियो में मैं आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और प्राइस वगैरह बताने वाला हूं. और मुझे जो पसंद है हार्डवेयर वॉलेट, वैसे तो मार्केट में काफी तरीके का हार्डवेयर वॉलेट अवेलेबल है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के, लेकिन मैं किसको यूज करता हूं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं. तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं. देखो हार्डवेयर वॉलेट की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, डेफिनेशन से पहले देखो सबसे मस्ट और सबसे जरूरी बात, अगर आप कभी भी किसी भी हार्डवेयर वॉलेट को परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, मैं सपोज बाय कर रहा हूं लेजर हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है, और मेरे खुद के पास भी लेजर हार्डवेयर वॉलेट है और मुझे इस पर ज्यादा ट्रस्ट है, तो आपको कभी भी ये जो रेफरल वाले आपको मिलेंगे, ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे आप ये ईथरबिट का ले लीजिए या फिर अमेजोन पर आपको मिल जाएंगे, कभी भी आपको इन वेबसाइटों से हार्डवेयर वॉलेट को परचेस नहीं करना है, ठीक है. यहां पर आपके साथ स्कैम होने के चांसेस भी है, यहां पर फेक हार्डवेयर वॉलेट भी दे दिए जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जहां से भी आप बाय कर रहे हो, जहां से मतलब अगर आप लेजर हार्डवेयर वॉलेट परचेस करने जा रहे हो तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. उस वेबसाइट का जो पूरा एड्रेस है वो है www.ledger.com, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, theledger.com नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है. सिंपल सा आपको जाना है www.ledger.com पर क्लिक करना है और इनकी वेबसाइट पर इस तरीके से इनकी वेबसाइट का ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपको यहां पर सारी चीजें देखने को मिलेगी. अब ये तो बात हो गई भैया, अब हम इस वीडियो में लेजर हार्डवेयर वॉलेट के बारे में बात करने वाले, चूंकि मैं इसको यूज करता हूं, मैं यही रिकमेंड करता हूं कि हार्डवेयर वॉलेट लेने जा रहे हो तो लेजर को ही आप सेलेक्ट करो, ठीक है. तो लेजर हार्डवेयर वॉलेट यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेजर हार्डवेयर वॉलेट से भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, ठीक है. बेसिकली अभी आप अपने क्रिप्टो को कहां पर स्टोर कर रहे हो, एक्सचेंज पर या फिर किसी सॉफ्ट वॉलेट पर. अगर आप अपनी क्रिप्टो को मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉजकॉइन है या जो भी क्रिप्टो करेंसी है, उसको आप अभी अपने एक्सचेंज पर होल्ड कर, ठीक है, एक्सचेंज चाहे से वो वजीर एक्स हो या जो भी एक्स वाई जेड बाइनेंस वगैरह होबी वगैरह किसी भी, अगर आप एक्सचेंज पर उसको स्टोर कर रहे हो, रख रहे हो, उसको बोलते हैं अपन हॉट स्टोरिंग या फिर हॉट स्टोरेज. और अगर आप अपने क्रिप्टो को किसी एक प्राइवेट वॉलेट में रखते हो या फिर एक हार्डवेयर वॉलेट में रखते हो तो उसको बोलते हैं हम कोल्ड स्टोरेज. अब अंतर क्या है कि भैया वॉलेट में भी तो रखे हैं, हमारे एक्सचेंज में भी तो रखे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है. भैया बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. अगर आपका एक बड़ा अमाउंट, मान लीजिए करोड़, दो करोड़, दस करोड़, सौ करोड़ का अमाउंट अगर आपका क्रिप्टो में लगा हुआ है और अगर आप उस अमाउंट को या फिर अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज में रखते हो, अभी जैसा आपको पता ही कि इंडियन क्रिप्टो बिल आ रही है, इंडियन क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग काफी न्यूज अपडेट मैं भी आपको दे रहा हूं, तो बैन वगैरह की भी न्यूज अपडेट्स आ रही है कि सरकार जो है एक्सचेंजों को बैन कर देगी, फॉरेन एक्सचेंजों को बैन कर देगी. हाल ही में आपको ऐसी भी न्यूज अपडेट देखने को मिल रही होगी कि भैया प्राइवेट वॉलेट्स को भी बैन कर दिया जाए, वैसे तो अभी है नहीं. देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो आपकी जो क्रिप्टो है एकदम सेफ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरीके से मैं अभी तक इसको यूज करता आया हूँ. बिकॉज हार्डवेयर वॉलेट उसी तरीके से भैया अपना माल और अपना घर, ठीक है. अगर आप अपने क्रिप्टो को अपने घर में रखते हो तो आपको एक आश्वासन मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है कि भैया हाँ कम से कम मेरे घर पर सेफ तो है. और अगर आप किसी एक्सचेंज पर क्रिप्टो को रखते हो तो वो उसी तरीके से कि आप अपने पड़ोसी के या फिर अपने किसी नॉन पर्सन के घर पे अपने कुछ एसेट रखने जा रहे हो, ठीक है. तो बस इतना सा आप है ना देसी लैंग्वेज में समझ सकते हो. तो अगर आप डेली या वीकली ट्रेडिंग करते हो, मुझे लगता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10,000-15,000 के जितना है, हार्डवेयर वॉलेट की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 या फिर अगर आप अपने क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने जा रहे हो तो हार्डवेयर वॉलेट आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है. अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं है तो आपकी जो क्रिप्टो की कीज है वो एक्सचेंजों के पास होती है, ना कि आपके खुद के पास, ठीक है. तो अच्छा यही होगा कि आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट हो और उसी में आप अपने क्रिप्टो की कीज को रखो. और हार्डवेयर वॉलेट में जो आपकी प्राइवेट कीज होती है ना, वो कभी भी इंटरनेट के कनेक्शन में नहीं होती या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाती. अगर आप हार्डवेयर वॉलेट को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हो तब भी, ठीक है, मतलब कि आपकी जो क्रिप्टो है वो उस हार्डवेयर वॉलेट में एकदम ऑफलाइन तरीके से सेव रहेगी. कितना सेव है, आप में से काफी लोग मुझे पता है कि अभी कमेंट ही करने वाले होंगे कि भैया अगर वो हार्डवेयर वॉलेट गुम हो जाए तो, टूट जाए तो, ठीक है, कहीं भूल जाए तो, तब भी सॉल्यूशन है, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है.
ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सेंड एंड बाय और सॉरी सेंड एंड रिसीव, इसमें बाय वगैरह नहीं होता। ठीक है, किस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो को सेंड और रिसीव कर सकते हो इस हार्डवेयर वॉलेट के जरिए, वो तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें मैं रिव्यू करने वाला हूं लेजर हार्डवेयर वॉलेट का, कि किस तरीके से आपको बाय करना चाहिए और कौन सा बाय करना चाहिए। ठीक है, हम आ गए सिंपली लेजर हार्डवेयर वॉलेट की वेबसाइट पर, यहां पर तमाम आपको चीजें देखने को मिल जाएगी कि इट्स योर मनी ऑन इट। ठीक है, ये आपका पैसा है भैया, आपको इसको संभालना है, आपको ही रखना है। सारी डिटेल आपको इसमें दे रखी है कि भैया लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा ट्रस्टेबल इनके अभी परचेस हो चुके हैं, और फोर्ब्स भी रिकमेंड करता है, टेक क्रंच भी इसको रिकमेंड करती है, ब्लूमबर्ग भी इसको रिकमेंड करती है। आप ज्यादा डिटेल से इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे आप चल जाना, यहां पर आपको तमाम चीजें किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है या फिर ये हार्डवेयर वॉलेट एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है, काफी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा कि आप एक बार अपनी डीपली रिसर्च जरूर से कर लेना। अब मेन पॉइंट आता है कि भैया कौन सा हार्डवेयर वॉलेट या फिर कौन सा लेजर का हार्डवेयर वॉलेट आपको यूज करना चाहिए। मार्केट में भी लेजर के 2 हार्डवेयर वॉलेट है, एक तो है लेजर नैनो एक्स और दूसरा है लेजर नैनो एस। कंपैरिजन की बात करें अगर तो मैं इसको कंपेयर कर देता हूं दोनों ही हार्डवेयर वॉलेट को। लेजर का जो नैनो एस आता है वो आता है 5,265 रुपए का, ये फ्रांस से आएगा, तो इंक्लूडिंग आपका जो भी कस्टम फीस होगी या फिर जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होंगे, वो देख लेना। इसके अलावा जो नैनो एक्स जो होगा वो लगभग आपको 10,500 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, यानी कि 10,619 रुपए की इसकी एग्जैक्ट प्राइस है। यहां पर आप देख सकते हो जीएसटी एंड ड्यूटी नॉट इंक्लूडेड, यहां पर ये सारी चीजें भी आपको मिलेगी, तो 11,000 से 12,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और चार्ज बढ़ जाएगा, मुझे नहीं पता आप कहां पर रहते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में रहते हो तो अलग अलग ड्यूटी चार्ज होते हैं, समझते हो आप इतना भी। तो यहां पर सारा कंपेरिजन आप देख सकते हो कि बेसिकली जो मेन मतलब की बात आपकी है वो ये है कि भैया एक तो चीज ये लेजर नैनो एस जो है उसमें आपको ब्लूटूथ का कोई फीचर नहीं मिलेगा, जबकि ये जो है नैनो एक्स में आपको ब्लूटूथ का फीचर मिल जाएगा, सिंपलिसिटी है और ये सिंपल सा आप कंपैरिजन तो खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेन बात ये भी है कि भैया यहां पर आप इंस्टॉल अप टू 3 एप्स एट द सेम टाइम। एप्स क्या है, एप्स आप समझ लो क्रिप्टो करेंसी, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम या डॉज या जो भी, आप 3 क्रिप्टो करेंसी इसमें स्टोर कर पाओगे, जबकि लेजर नैनो एक्स में आप लगभग 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सेम टाइम में रख पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे। तो यहां पर इनका कंपैरिजन बताया गया है। ठीक है, टेक्निकली स्पेसिफिकेशन जो भी है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई थिंक आपको जरूरत भी नहीं है। आप जब हार्डवेयर वॉलेट परचेस करने जाओगे उस समय तो आप अपनी डिटेल से रिसर्च करोगे ही किस तरीके से बाय करना है, जिस भी हार्डवेयर वॉलेट को, चाहे वो नैनो एस हो या नैनो एक्स हो, उसको बाय किस तरीके से करना है। एड टू कार्ट पर जाना है, एड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर मैं इसको कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि 10,619 रुपए का आपको ये पड़ेगा। यहां पर मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूं, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी आपको, लेजर ओटीजी किट यहां पर वो कनेक्ट करने का आता है इस तरीके से, कुछ पुस्तिकाएं आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ जो कीज को लिखने के लिए शीट भी मिलेगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से होती है। चेकआउट पर मैंने क्लिक कर दिया, यहां पर मैं जैसे ही चेकआउट पर क्लिक करूंगा सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस फिल करना होगा, फिर यहां पर आपको टिक करना होगा, इसके बाद जो भी आपका इंडिविजुअल पर्पस है या फिर बिजनेस के पर्पस से आप बाइंग करने जा रहे हो तो वो यहां पर टिक करना है, अपना फुल नेम, जो भी आपका यहां पर एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इंडिया, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और टेलीफोन, यहां पर आपको करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, मैं सिंपल सा आपको प्रोसेस बता देता हूं, फिर शिपिंग मेथड में आप जाओगे, उसके बाद पेमेंट इन्फो जो है पेमेंट इन्फो आप कर देना। सिंपल सा प्रोसेस होता है, जिस तरीके से आप कोई ऑर्डर बुक करने जा रहे हो किसी प्रोडक्ट का उसी तरीके से आपको करना है। यहां पर आपको शिप मेथड, फिर यहां आपको पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको इसको बाय कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, और यहां पर अगर आप कंपनी के और डाउनलोड्स वगैरह में जाओगे, लर्न्स वगैरह में जाओगे, ठीक है, लर्न में, तो यहां आपको वेरियस टाइप चीजें देखने को मिल जाएगी, क्रिप्टो एसेट में, बिजनेस में, सपोर्ट में, एड टू कार्ट, सारी चीजें आपको मुझे जहां तक लगता है समझ में इजीली आ जाएगी। अब जैसे ही मुझे ये मिलता है मैं आपको वीडियो दे दूंगा। तो अभी ये जो मेरे पास है सेट पूरा, ये लेजर का आया है, अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट वन है इसमें सिर्फ मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और जो इसके स्टैटिस्टिक्स हैं कि ये किस प्राइस पर मिलेगा वगैरह वगैरह, ये सभी आपको पार्ट वन में देखने को मिलेगा। फिर इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है, हाउ टू यूज लेजर नैनो या लेजर नैनो एस, उसको हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। सिर्फ ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है तो पहले हम इसको अनबॉक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अब कर देता हूं अनबॉक्स। ठीक है, मैंने इसका रैपर हटा दिया, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो मुझे फर्स्ट शीट मिली है ये
कुछ वेलकम वगैरह के लिए है। जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा लेजर का, ये रहा हार्डवेयर वॉलेट। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसमें जो भी इसकी बाइंग प्रोसेस है तमाम चीज़ें, मैं इसको भी वापस से करूँगा। थोड़ा सा और इसको देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इसको साइड को साइड में रखना है। यहाँ पर ये कनेक्टर मिलेगा जिससे कि आप इसको हार्डवेयर वॉलेट से कनेक्ट करके और अपना जो भी पीसी या सेटअप है उससे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर आपको हेलो का कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ यहाँ पर आपको तीन कुछ इस तरीके से शीट्स देखने को मिलेगी जो कि बेसिकली होती है रिकवरी शीट्स। अब ये रिकवरी शीट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्ड होते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, अगर आप मंगवा के समझना चाहते हो कि भैया किस तरीके से इसमें हमें अपने क्रिप्टो को डालना है, ये शीट्स का क्या काम है, इसका क्या रोल है, इसका क्या करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जो इसकी सेटिंग गाइड से वो देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से आप इसको सेटअप करोगे। यहां पर थोड़ी सी पुस्तिकाएं मिल जाएंगी आपको, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल ठीक है, पूरा खाली हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। तो मेन जो प्रोडक्ट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको एक पेन ड्राइव टाइप में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा इसका जो कंपनी का नेम है सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दो बटन्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन बटन्स को किस तरीके से यूज करेंगे, ये जो एप्लीकेशन पार्ट है मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा, लेकिन ये जो अनबॉक्सिंग है इसमें मैंने आपको एक रिव्यू दिया कि बिल्कुल टन टनाटन होके आता है, कोई टूटा फूटा नहीं होता अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करोगे, ठीक है। अगर आप अमेजोन से दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट से बाय करोगे तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे तो आपके सामने मैंने अनबॉक्स किया है, कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल ये पार्ट वन था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ओपन करके इसको अनबॉक्स करके बताया। एप्लीकेशन पार्ट और यूज किस तरीके से करना है वो वाला पार्ट जल्दी आने वाला है। मैंने जैसे आपको बोला कि एक सीरीज चलेगी जिसमें कि सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हमने जाना कि हार्डवेयर वॉलेट होते क्या है, हार्डवेयर वॉलेट कितने सेफ होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके अलावा कौन सा हार्डवेयर वॉलेट आपको मंगवाना चाहिए, कितने का आता है, इसके अलावा कितने टाइप के होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक्स कवर करी और थोड़ा सा अनबॉक्सिंग भी करा अपने हार्डवेयर वॉलेट का। मेरे ये भ्राताश्री का है, मेरा तो कब का पहले ही आ चुका है, काफी समय भी हो चुका है, लेकिन आपकी डिमांड थी इसलिए मैंने लगे हाथ भाई के लिए भी मंगवा लिया, साथ ही आपके लिए भी ये वीडियो तैयार हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे और आपके जो डाउट्स है कि भैया अगर ये हार्डवेयर वॉलेट टूट गया या फिर गुम हो गया, हमारे पिन वगैरह गुम हो गए तो फिर क्या होगा, क्रिप्टो सेव होगा या फिर चला जाएगा, इसके अलावा किस तरीके से अपने एक्सचेंज से अपने हार्डवेयर वॉलेट में क्रिप्टो को ट्रांसफर करना है, ठीक है, यानी कि रिसीव और सेंड किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसको एक्चुअल में इस्तेमाल करना है, जो मेन पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। तो जरूर से उस वीडियो को देखना है, साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको भी हार्डवेयर वॉलेट में जानना है या फिर जो भी अभी हार्डवेयर वॉलेट को मंगवाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।